आई, स्मॉल डे लीड्स टू अमेजिंग प्रोग्रेस टूडे इज सेकेंड ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन लेटस हैव अ क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रैपिड जी के ये स्टडी क्वेश्चन के आंसर्स हैं जस्कर वैली है लद्दाख में अनामुडी पीक है केरला में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल है मध्य प्रदेश में न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया फॉरन पॉलिसी किताब लिखा है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एडम स्मिथ का बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस फिनलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ अ थाउजेंड लेक्स आज के सवाल है. विच स्टेट यूटी हैज प्लान टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ये जो डुगोंग है ये यूपीएससी का फेवरेट एनिमल है लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ वॉट डिस्टेंस लाइक दैट वॉट इज द वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है वॉट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच स्प्रिंग ऑफ अ वॉच मैकेनिकल वॉट पार्ट ऑफ आईज गिव इट अ डिस्टिंगटिव कलर जैसे कलर ऑफ आईज डिफरेंट होता है ना तो वो क्यों होता है टेल द लॉन्जिट्यूडनल कोआर्डिनेट्स ऑफ इंडिया तो ये क्या है लॉन्जिट्यूडिनल कोऑर्डिनेट्स सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबुलरी है हे वायर हे वायर मतलब एरेटिक आउट ऑफ कंट्रोल तंत्रम का मतलब होता है जैसे बच्चे करते हैं एन अनकंट्रोल्ड आउटबर्स्ट ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन टिपिकली इन अ यंग चाइल्ड अनरेवल का मतलब सुलझाना किसी मिस्ट्री को सुलझाना इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व और एक्सप्लेन समथिंग कॉम्प्लिकेटेड और पजलिंग कैप्रेशियस का मतलब होता है मनमोजी गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेज ऑफ मूड और बिहेवियर विंडिकटिव मतलब होता है प्रतिशोधी हैविंग और शोइंग अ स्ट्रॉ और अन रिजनिंग डिजायर फॉर रिवेंज सो दीज आर सम वोकेबुलरी वर्ड्स इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं आज हम पढ़ेंगे रमन्ना साहब ने एक और एक्सलेंट ऑब्जर्वेशन दिया है सी जे आई फॉर फॉर्मिंग स्पेशल पैनल्स टू प्रोब अट्रॉसिटीज बाय पुलिस जी एस टी कलेक्शन के नंबर हैं दिस इज़ अबाउट दिल्ली एंड फार्म प्रोटेस्ट डे ऑफ द एल्डरली तमिलनाडु में है मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट टाइगर हंट देन दिस इज लाइफ स्टाइल डिसीजेज रिलीज करें जो विनाइल को इफ पैटी ऑफेंस इज पेंडिंग फॉर वन ईयर हाईकोर्ट का ऑर्डर है आई आई टी दिल्ली एंड रोड सेफ्टी सी पी का स्मोक टॉवर इज वर्किंग वेल अभी चल रहा है वन्य जीव संरक्षण सप्ताह आज गांधी जी के बारे में जानेंगे और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में एडिटोरियल है नो क्लीन स्वीप क्राइम एंड द पैंडमिक रीडिंग गांधी एज अ लेसन ऑफ पॉलिटिकल मेच्योरिटी गांधी जी के क्या लेसन हैं जो आज की डेट पे भी उतना ही रेलिवेंट है कंटेम्प्रेरी है टाइम टू साउंड द बेल विद क्लास डोज ओपनिंग रिनंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप मिस्टर श्रृंगला अभी श्रीलंका गए हैं आर्मी चीफ लद्दाख गए हैं वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं अभी एयर मार्शल संदीप सिंह कोविशील्ड अब ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज होगा यूके नेशनल स्टेट फॉर टेट ड्रोन्स रीफॉरस्टेशन बीजिंग क्राइसिस देन पी डेटा दिस इज अबाउट एयरलाइंस डीपीएस डी पी एस यूज जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनका कॉरपोरेटाइजेशन ये है चाचा चौधरी ट्रीटमेंट कोविड नाइन्टीन ऑप्टिमम वाटर वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल और आर की मॉनिटरी पॉलिसी आज दो अक्टूबर है तो गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी आज हम ये क्विकली देखते हैं जो इंडिया में 106 नेशनल पार्क है इसकी लिस्ट को क्विकली गो थ्रू करते हैं ये लिस्ट बड़ी काम आएगी अभी एग्जाम में देन दिस इज सी सेट सोलूशन इन सर्टन क्वेश्चन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट अवर रेफरेंस मटेरियल इज दिस द हिंदू दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दी एडिशन सी ये फ्रंट पेज है द हिंदू का फर्स्ट न्यूज़ है चीफ जस्टिस साहब ने बोला स्पेशल पैनल जो टू प्रोब जांचो हो एट्रोसिटीज बाय पुलिस पुलिस जो होती है ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो फॉर पीपल होती है जनता की सेवा के लिए होती है बट मैनी अ टाइम्स पुलिस या ब्यूरोक्रेसी की नेगलेक्ट के कारण नेग्लेक्ट के कारण अट्रोसिटीज हो जाती है कॉमन पीपल में इस चीज़ को चेक करना जरूरी है हेडेड बाय चीफ जस्टिस दे कुड लुक इन टू कंप्लेंट्स कंप्लेन्स इन्वेस्टिगेट करें कंप्लेन रिसीव फ्रॉम द कॉमन मैन सर्विसेज सर्विसज लिखा है सर्विसेज किसको देना है कॉमन मैन को अगर उनपे अट्रॉसिटीज हो रही है जो ब्यूरोक्रेसी ने कमिट की है या पुलिस ऑफिसर्स ने कमिट की है तो उसके खिलाफ जाँच होगी वी आर वेरी डिस्टर्ब बाय वॉट द ब्यूरोसी पर्टिकुलरली पुलिस ऑफिसर्स आर डूंग वेन अ पोलिटिकल पार्टी इज इन पावर पुलिस ऑफिसर्स साइड विद अ पर्टिकुलर पार्टी तो ब्यूरोक्रेसी नेता की सेवा के लिए नहीं होती है ब्यूरोक्रेसी होती है सिविल सर्विसेज मतलब जनता की सेवा के लिए तो व्हेन अ पॉलिटिकल पार्टी इज इन पावर पुलिस ऑफिसर साइड विद अ पर्टिकुलर पार्टी देन व्हेन अ न्यू पार्टी कम्स इन टू तो पावर द गवर्नमेंट इनिशिएट्स एक्शन अगेंस्ट दोज ऑफिशियल्स तो ये एक ऐसा लूप चल जाता है दैट इज वाई ब्यूरोक्रेसी में एक सिस्टमैटिक ओवरहॉल की जरूरत है दैन दिस इज़ जी एस टी कलेक्शन हिट हुआ फाइव मंथ हाई तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ टैक्स इवेजन होता था उसको चेक किया फेक बिलर्स थे उसके अगेंस्ट एक्शन लिया तो इससे क्या हुआ जी एस टी कलेक्शन बेटर हुआ तो दिस इज़ गुड इस बार भी एक लाख वन पॉइंट वन सेवन लाख करोड़ आया है कलेक्शन गुड कॉन्टिन्यूसली ये एक लाख करोड़ के ऊपर रह रहा है विच इज़ गुड जी एस टी का सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जी एस टी सक्सेस होगा तो ये पूरा बेनिफिट सेंटर स्टेट रिटेलर एवरीवेयर ट्रिकल डाउन होंगे सारे बेनिफिट्स सो जीएसटी इज इंपॉर्टेंट जीएसटी कलेक्शन हिट्स हिट फाइव मंथ हाई गुड देन बट अभी भी वी आर नॉट श्योर कि अगर थर्ड वेव आती है तब क्या इम्पैक्ट होगा या फिर अभी फेस्टिव सीजन भी आ रहा है तो ये कहीं पेंटअप डिमांड तो नहीं है लेट एस सी स्ट्रेंगुलेटिंग एंटायर सिटी यू वॉन्ट टू कम इन नाउ सुप्रीम कोर्ट ने फार्म प्रोटेस्ट से कहा सी जो प्रोटेस्ट होता है ये एक राइट right है राइट टू प्रोटेस्ट दिया गया है बट राइट टू लाइफ भी है अगर जैसे कुछ दुकानें हैं दिल्ली में अक्सर ऐसा हो रहा है कि जैसे शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे धरने पे बैठ गए तो इस पूरे जो शॉप एरिया है ना यहाँ का जो मार्केट है वो फ्लॉप हो जाता है यहाँ पे कस्टमर्स नहीं आते डिस्टर्बेंसेज होता है तो बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट ये पूरी साइड जो इकोनॉमीज होती है ना एरिया की वो डिस्टर्ब होती है लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है उस पर्टिकुलर एरिया का जो डेली वहाँ से कॉम्यूट करते हैं उनको बहुत डिफिकल्टी आती है ट्रैफिक जैम होता है लाइक दैट सो प्रोटेस्ट एक राइट है बट बाकी लोगों का भी राइट टू लाइफ है आर्टिकल ट्वेंटी वन तो इसका भी एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि प्रोटेस्ट जो है वो हो बट इस तरीके से हो कि जो नॉर्मल उस जगह के लोग हैं उनको डिफ़िकल्टी नहीं आए डे ऑफ द एल्डरली डे ऑफ द एल्डरली कल आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे एक्सेलेंट एल्डरली वी शुड बी रेस्पेक्टफुल फोक आर्टिस्ट यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं लॉन्च हुआ नेशनल हेल्पलाइन का सीनियर सिटीजन बेंगलुरु में क्योंकि कल था वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे तो ये पैन इंडिया हेल्पलाइन है टोल फ्री नंबर है वन फोर फाइव सिक्स सेवन वन फोर फाइव सिक्स सेवन रिमेम्बर टोल फ्री नंबर तो दिस इज़ टोल फ्री नंबर फॉर दिस एल्डरली एल्डरली सीनियर सिटीजन ऐसे ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी हम हर दो तीन दिन में देखते हैं क्या है वॉट इज़ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी चाइल्ड इन डिस्ट्रेस तो आपको किस नंबर पर कॉल करना होता है टेल सो दिस इज़ डे ऑफ द एल्डरली अब है तमिलनाडु फॉरेस्ट ऑफिशल्स ऑन हंट फॉर किलर टाइगर टी ट्वेंटी थ्री तो ये टाइगर मैन ईटर हो गया है अब मैन ईटर हो गया है तो इस टाइगर को एलिमिनेट करना पड़ेगा बट ये बड़े दुख की बात है टाइगर का जान जाता है या ह्यूमन का जान जाता है इट इज़ अ लॉस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ऑन राइज है रीज़न है ह्यूमन इनक्रोचमेंट और हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन तो इंडिया में फेस हो रहा है इंक्रीजिंग चैलेंज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का कभी एलिफेंट ह्यूमन सेटलमेंट में आके डिस्ट्रक्शन करता है तो एट टाइम्स हमें एलिफेंट लेपर्ड टाइगर हम फोर्स हो जाते हैं उस एल उस एनिमल को रिमूव करने के लिए पर ये एक बड़ा सैड स्टोरी है ड्रिवन बाय डेवलपमेंट प्रेशर इनक्रीज पॉपुलेशन हाई डिमांड फॉर लैंड है नेचुरल रिसोर्सेज है लॉस फ्रेगमेंटेशन डिग्रेडेशन हो रहा है वाइल्ड हैबिटेट्स का तो क्या हो रहा है प्रेशर बढ़ रहा है जो एनिमल है उनका घर तो छोटा होता जा रहा है उस पर प्रेशर हो है उनको प्रे नहीं मिल पा रहा है जगह कम पड़ रही है तो वो ऑब्वियसली बाहर आएंगे और ह्यूमन अपना प्रेजेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट तो होगा सो दैट इज़ वाई हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा बिकॉज दिस अर्थ ऑल्सो बिलोंग्स टू एनिमल तो वी नीड टू को एग्जिस्ट दीज प्रेशर इंटेंसीफाई इंटरक्शन बिटवीन पीपल एंड वाइल्ड लाइफ तो इससे होता है फिर क्लैश तो ज़रूरी ये है कि हम एंगेज करें कंजर्वेशन कमेटी बनाएं नेशनल पार्क जागरूकता होना भी ज़रूरी है नो टू एनिमल प्रोडक्ट करें इलीगल जो कोचिंग होता है उसको डिसक्रेज करें वाइल्ड लाइफ पार्ट्स को भी लर्न करें रिस्क टू वाइल्ड लाइफ जैसे अभी कुछ हाईवेज़ देख रहे हैं अपन इसके नीचे क्या है ऐसे पिलर्स लगा रखें तो उससे कॉरिडोर मिल गया है कॉरिडोर अभी गडकरी साहब इसको हाईलाइट कर रहे थे कि इन्होंने वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया है यहाँ पे विच इज गुड तो हमें जो डेवलपमेंट करना है वो न्यू डिटर्मिनेजम होना चाहिए इन सिंक विद नेचर अवेयरनेस बढ़ाएं और इंस्पायर करें बिकॉज हम ऑल दो इस टाइगर को एलिमिनेट तो कर देंगे बट ये सॉल्यूशन नहीं है टाइगर का लाइफ जाएगा ह्यूमन लाइफ जाएगा इट्स अ लॉस

रिलीज़ करें जुवेनाइल पेटी ऑफेंसेस पेंडिंग फॉर ओवर वन ईयर ऑर्डर हाई कोर्ट अब ये वाला न्यूज़ यहाँ है पेज नंबर टू में सी जुवेनाइल मतलब लेस देन एटीन कुछ छोटे मोटे ऑफेंसेस उन्होंने किए होंगे जो बहुत सीरियस इन नेचर नहीं है बट एक एक साल से वो जेल में है अंडर ट्रायल है तो इससे उनका लॉस हो रहा है हम पनिशमेंट क्यों देते हैं पनिशमेंट देते हैं जस्टिस देने के लिए पनिशमेंट देते हैं रिफॉर्म करने के लिए पनिशमेंट देते हैं डिटर करने के लिए कि कोई ऐसा क्राइम करने की हिम्मत नहीं करे तो अगर बहुत साल से वो अंडर ट्रायल हैं जेल में हैं और ऑफेंस भी ऐसा कोई सीरियस नहीं है और वो जुवेनाइल भी है मतलब पूरा फ्यूचर अभी पड़ा हुआ है तो उस केस में उनको यहाँ पे दिस रिलीज़ किया गया इस होप से कि वो रिफॉर्म हो गए हैं दे विल लीड अ बेटर लाइफ सेम क्राइम रिपीट नहीं करेंगे देन गांधी जी स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को और औरों की सेवा में डुबो देना बापू ने स्वदेशी स्वच्छता सर्वोदय का सिद्धांत आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है स्वदेशी से आत्मनिर्भरता स्वास्थ्य पर्यावरण सार्वभौमिक उत्थान मतलब सबका उत्थान शोषण मुक्त समाज की प्रेरणा मिलती है तो इसमें हमें भी पार्टिसिपेट करना है सर्वांगीण विकास के साधन और अवसर सुनिश्चित करने हैं आज दो अक्टूबर है गांधी जयंती गांधी जी को इस अवसर पर कोटि कोटि नमन नाउ दिस इज गवर्नमेंट साइंस एम ओ यू विद आई आई टी दैली ऑन रोड सेफ्टी रोड सेफ्टी अगेन साइलेंट किलर है और बहुत नंबर में ह्यूज नंबर में लाइफ लॉस होती है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट सो वी नीड टू बी केयरफुल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाएं बिहेवियरल चेंजेस लाएं गवर्नेंस चेंजेस लाएं ताकि रोड सेफ एंड सिक्योर रहे ये सीपी का स्मोक टॉवर है प्योरीफाई कर रहा है एटी परसेंट एयर को अभी वन्य जीव संरक्षण सप्ताह चल रहा है 2021 हजार इक्कीस इस पर भी आंसर राइटिंग हमें करना है बट अभी पूरा हफ्ता है आज हम गांधी जी और शास्त्री जी के बारे में करेंगे बट विल रीविजिट वन्य जीव संरक्षण सप्ताह दो हजार इक्कीस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अनवीलिंग ऑफ महात्मा गांधी स्टैचू अभी कहाँ पे हो रहा है लक्षद्वीप में हो रहा है यहाँ कुछ प्रोग्राम्स भी होंगे जैसे लेज़र लाइट शो है सैंड आर्ट होगा फ्ली मार्केट होगा फूड फेस्टिवल इमर्जिव लाइटिंग एक्सपीरियंस एंड मच मोर ओडिशा में एक पर्सन बहुत पॉपुलर है फॉर दिस सेंड आर्ट उनका नाम बताइए सेंड आर्ट वो अक्सर ऐसे बीच में सेंड आर्ट बनाते हैं ओडिशा से उनका नाम क्या है सेंड आर्ट डिस्प्ले देन दिस इज पेज नंबर सेवन छत्तीसगढ़ में ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है काउडंग से वेरी गुड काउडंग सर्क्यूलर इकोनॉमी रिमेंबरिंग गांधी जी देन नो क्लीन स्वीप ये फर्स्ट एडिटोरियल है फर्स्ट एडिटोरियल में रेगुलर बात है गांधी जी बोलते थे क्लीनलीनेस इज नेक्स टू गॉडलीनेस स्वच्छता बहुत जरूरी है ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन इंडिया कॉल्स फॉर कॉम्युनिटी बेस्ड मूव टूवर्ड्स अ सर्क्युलर इकॉनमी सर्क्यूलर इकोनॉमी सेकेंड फेज है स्वच्छ भारत मिशन का अटल मिशन रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का ये छः सात साल पहले आए थे अभी इनका टू पॉइंट वो वर्जन है फ्रेश प्रोमिस है टू मेक इंडिया सिटीज क्लीन शहरों को साफ रखना ऑल दो इसमें सिटीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया है बट मच टू बी डिज़ायर्ड इश्यू ऑफ केपेबिलिटी एंड गवर्नेंस अंडर द चैलेंज चैलेंज क्या है एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है शहर बढ़ रहे दूसरा जो बड़ा चैलेंज आता है वो होता है जैसे 1.4 लाख टन का वेस्ट जनरेट हो रहा है इसको अगर आप सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर लोगे कि ये लिक्विड है ये लाइक like प्लास्टिक है या फिर ये डिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल तो उसका वेस्ट मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा प्लस जो ये वेस्ट बन रहा है कुछ ना कुछ करके इस वेस्ट को वापस इकॉनॉमी में लाए तो वो कहलाता है सर्क्युलर इकॉनॉमी मतलब जैसे कोई कॉम्पोनेंट पार्ट्स है उसको किसी दूसरे मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर लिया मतलब सर्कुलर कर रहे हो आप जो भी प्रोडक्ट है वापस उसको सिस्टम में वापस फ्लोट इन करा रहे हो बजाय डिस्कार्ड करने के तो दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट एज अ सोर्स तो इसमें भी ज़रूरी यही है कि पार्टनरशिप हो टेंजिबल इंसेंटिव हर हाउस होल्ड से एवरीबडी का पार्टिसिपेशन जरूरी है तभी स्वच्छ इन रियल सेंस हम बन सकते हैं 10 अगस्त को हमने बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा था सर्कुलर इकॉनॉमी पर इसमें एक इन्फोग्राफिक भी है काफ़ी अच्छे नोट्स हैं रीविजिट सर्क्युलर इकॉनॉमी टेंथ ऑफ ऑगस्ट सो द पॉइंट इज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट करना है और हमने टॉयलेट्स तो बना दिए बट टॉयलेट्स में पानी नहीं होता तो वो फंक्शनिंग टॉयलेट्स नहीं है सो वी नीड टू एंश्योर कि हम फंक्शनिंग टॉयलेट्स को भी लाएं ओपन डेफिकेशन फ्री है ओ प्लस है कलेक्टिव एफर्ट्स होंगे तभी हम इसको एक्सेस कर पाएंगे ओ वर्सेस एफ ओ प्लस वन लाइन डिफरेंस क्या है टेल ओ डी एफ वर्सेज ओ प्लस ओके सो दिस इज़ नो क्लीन स्वीप कल हमने चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश का भी आर्टिकल देखा था वॉट वी नीड टू डू इज क्लीनलीनेस को ना एक ट्रेडिशन बनाने की ज़रूरत है एक मास अपील बनाने की जरूरत है बिहेवियरल चेंज बनाने की ज़रूरत है, है तभी ट्रू सेंस में क्लीनलीनेस आएगी और क्लीनलीनेस आएगी ना तो डिसीजेज वग़ैरह भी कम होंगी सो क्लीनलीनेस इज ज़रूरी रीडिंग गांधी एज लेसन ऑफ पॉलिटिकल मेचोरिटी अब जो ये है क्राइम इंड द पैनडमिक ये पहला सेकेंड एडिटोरियल है क्राइम एंड द पेंडेमिक इसमें कुछ नया नहीं है जो अभी हमने कुछ दिन पहले सेप्टेम्बर में देखा नेशनल दिस रिकॉर्ड ब्यूरो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट किस टाइप के क्राइम्स पड़े हैं डोमेस्टिक वायलेंस पड़ा है और लॉकडाउन के कारण क्राइम्स का जो पैटर्न है उसका क्या स्टेटस है तो क्राइम एंड द पैनडेमिक पैंडमिक एक चीज़ और होती है क्राइम में क्राइम तो होते हैं बट क्या वो रिपोर्ट हो रहे हैं क्या उनके अगेंस्ट पुलिस रजिस्ट्रेशन एफ दर्ज हो रही है या नहीं ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है बिकॉज़ कई बार कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि साउथ के कुछ स्टेट्स हैं केरला वगैरह यहाँ पे नंबर्स ज़्यादा आते हैं नंबर्स ज़्यादा आते हैं बट उसका एक रीज़न ये भी है बिकॉज़ यहाँ रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है बाकी जो ज़्यादातर पॉपुलर स्टेट्स हैं हमारे वहाँ रिपोर्टिंग कम होती है तो नंबर्स भी कम हो जाते हैं बट वो एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखा रहे है। तो रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है क्राइम डेटा का गुड डेटा तो गुड आउटपुट गुड डिसीजन मेकिंग रॉन्ग डेटा मतलब रॉन्ग डिसीजन मेकिंग तो डेटा इज इंपॉर्टेंट क्राइम और क्रिमिनल्स भी अब पहले जैसे नहीं है ये इवॉल्व हो रहे हैं फास्ट इवॉल्विंग है क्राइम एंड क्रिमिनल्स देन ये गांधी जी है पॉलिटिकल मेच्योरिटी इसमें जो बात लिखा है ना वो ये लिखा है कि गांधी जी की जो वैल्यू सिस्टम था वो आज की डेट में भी कितना रिलेवेंट है रेलिवेंट है जैसे पॉलिटिकल मैच्योरिटी होना जरूरी है पॉलिटिकल मैच्योरिटी नेशंस होते हैं स्टेटमेंट्स आते हैं इर्रेलेवेंट भड़काऊ नेशंस अगर देती है तो उससे क्या होता है इंटरनेशनल लॉ पीस एंड ऑर्डर भी डिस्टर्ब होता है तो वी नीड टू हैव दिस पॉलिटिकल मैच्योरिटी पेशेंस इज़ अ वर्च्यू पेशेंस इज़ अ वर्च्यू मीनिंगफुल एंगेजमेंट होना चाहिए और अभी जिस डिफ़िकल्टी हार्डशिप से वर्ड निकल रहा है कंपैशन एंड टॉलरेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है ह्यूमन वैल्यूज़ फाउंडेशनल वैल्यूज़ एथिकल वैल्यूज दिस इज़ द लेसन तो अभी जब आप अभी प्रिपेयर करेंगे नोट ऑन गांधी जी तो इसके ये जो कीवर्ड्स हैं ये सारे कीवर्ड्स हैं इंक्लूड दीज कीवर्ड्स कुछ अच्छे कोर्ट्स भी पता होने चाहिए जो गांधी जी के आप बीच बीच में यूज़ कर पाओ ओके okay? अब इसको आगे देखते हैं अपन टाइम टू साउंड द बेल विद क्लास डोर्स रीओपनिंग यहाँ जो बात है वो ये है कि स्कूल्स ओपन हो रहे हैं स्कूल सत्रह महीने तक बंद थे जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत ज़्यादा पिट गया है बच्चे वापस आ रहे हैं बट वो बेसिक रीडिंग बेसिक राइटिंग ये सब भूल गए बिकॉज स्कूल का जो एटमोसफियर है वो होम सेटिंग पे रेप्लीकेट करना इज़ डिफ़िकल्ट ऑनलाइन एक सप्लीमेंट कर सकता है रियल एजुकेशन को बट ऑनलाइन इज़ नॉट लाइक ऑनलाइन इज नॉट एवरी थिंग ऑफलाइन क्लास होना ज़रूरी है जैसे कि आई मेक दीज वीडियोज़ एनसीआर टी वीडियोज़ हैं या फिर ये है तो पता है ऑनलाइन में ये होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि यू डोंट नो कि स्टूडेंट का क्या लेवल है जैसे अगर आमने सामने स्टूडेंट बैठा है तो स्टूडेंट जैसा रिप्लाई दे रहा है जैसा परफॉर्म दे रहा है तो टीचर अपना टीचिंग अकॉर्डिंगली ट्विक करेगा बट ऑनलाइन वीडियोज़ में ये होता है स्पेशली जैसे सिविल सर्विसज में भी कुछ न्यू हैं कुछ वेल सीजन प्लेयर है सीजन प्लेयर को ये चाहिए होता है कि जल्दी जल्दी काम की बात बता दो आगे बढ़ो अब जो न्यूबीज़ होते हैं दे वॉन्ट लिटिल बिट मोर डेप्थ की आप थोड़ा और डेप्थ में जाओ इलेबोरेट करो एल्यूसीडेटिड बेटर तो इस केस में ना बैलेंस बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है अब जैसे क्लास डोर्स री ओपन हो रहे हैं तो सेम इज़ विद स्टूडेंट्स जैसे स्कूल स्टूडेंट्स हैं स्कूल स्टूडेंट्स भी अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं घर पे पढ़ाई का माहौल है या नहीं है तो ऑनलाइन में ना ये टीचर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो एग्जैक्टली exactly क्या लैक कर रहा है स्टूडेंट और उसको वो कैसे डिलीवर किया जाए इसीलिए ऑनलाइन को ऑनलाइन को सप्लीमेंट माना जा सकता है एजुकेशन का बट ऑनलाइन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ दिस ऑफलाइन क्लासेस ओके देर टू बी अ हाइब्रिड पैटर्न टाइम टू साउंड द बेल विद क्लास डोर्स रीओपनिंग बाकी इसमें रेगुलर टॉक्स है जो इतने टाइम से हमने देखा है कि लर्निंग आउटकम ए एस सी आर की रिपोर्ट भी बता रही है डेप्रिशिएट हुए हैं अ पीपल हु बिकेम इंडियन ओवर नाइट नाइनटीन वन दिस इज ये मिशन लॉन्च हुए हैं अमृत मिशन और दिस स्वच्छ भारत मिशन टू पॉइंट टू दिज टू आर इम्पॉर्टेंट ये पंजाब चीफ मिनिस्टर हैं चीफ मिनिस्टर चरनजीत सिंह छन्नी जी एंड मेट हुआ कॉलन हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से सो दिस इज पी एम एंड सी एम रिनंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप नाउ सिंपलर अपसी इंडिया की सिटीजनशिप है आपके पास बट आप यू में रह रहे हो बहुत टाइम से ग्रीन कार्ड भी हो गया यू एस सिटीजन मिल मिल रही है तो आपको इंडिया में डबल सिटीजनशिप का प्रोविज़न नहीं है आपको इंडियन सिटीजनशिप ड्रॉप करना पड़ेगा अगर आप यू का सिटीजनशिप लेते हो तो उस केस में रिनंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप अभी सिंपलर हो रही है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड ऑनलाइन कर सकते हो तो सी देखिए छः दशमलव सात लाख इंडियंस ने सिटीजनशिप छोड़ा 2015 से 2019 के बीच में आपको सरकमस्टेंसेज भी बताने पड़ेंगे जिसके कारण आप फॉरेन सिटीजनशिप ले रहे हो और इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस कर रहे हो सो दिस इज रिनन्सिएशन हमने क्विज में पढ़ा था कितने तरीके हैं इंडियन सिटीजनशिप लेने के और कितने तरीके से इंडियन सिटीजनशिप जा सकती है बताइए तीन चार ये हैं तीन चार ये हैं आंसर रिनन्सिएशन इज वन वे टर्मिनेशन होता है लाइक दैट तो रिनन्सिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप नाउ सिंपलर मिस्टर श्रृंगला बिगिनस फोर डे विजिट टू श्रीलंका टुडे असेस करेंगे तमिल रिकॉन्सिलेशन का भी वहाँ पे बात होगा श्रीलंका इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेबर फॉर अस यहाँ फ्रेंडली और क्लोज कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है इंडिया श्रीलंका कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर आर्मी चीफ ने अभी रिव्यू किया ईस्टर्न लद्दाख सिचुएशन गलवान क्राइसिस इज स्टिल नॉट ओवर एयर मार्शल संदीप सिंह अब वाइस चीफ बन जाएंगे एयर स्टाफ के वाइस चीफ एयर स्टाफ के ओके देन दिस इज इंडिया इम्पोजेस टिट फोटेट टिट फोर्टेट मतलब जैसे को तैसा उन्होंने हमारी वैक्सीनेशन मानने से मना कर दिया हमने उनकी वैक्सीनेशन मानने से बंद कर मना कर दिया मतलब यू के नेशनल इंडिया आ सकता है बट उसे दस दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा बिकॉज वहाँ की जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन है दिस ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वी आर नॉट डाउटिंग द एफिकेसी ऑफ एक्स्ट्रा जेनेका बट अब यूके पता नहीं इंप्लीमेंट कैसे किया होगा पॉलिसी एटसेट्रा तो दिस इज टिट फॉर डेट बिकॉज सेम रीजन उन्होंने हमारे लिए भी किया था तो टिट फॉर डेट टेन डे क्वारंटीन कोविशील्ड विल बी ट्रीटेड एज रिकोगग्नाइज वैक्सीनेशन नाउ दिस इज गुड ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया रिकोगनाइज कर रहा है कोविशील्ड को वेरी गुड ट्रेवलर विल हैव टू प्रोड्यूस अ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और हमारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी कितना सेंट्रलाइज एंड डिजिटल स्टेट ऑफ द आर्ट कोविन का है और वहाँ पे क्यू आर कोड भी है तुरंत वेरीफाई भी कर सकते हो जस्ट स्कैन अव आर एक्सीलेंट बंगाल टॉप्स इन पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एक्सीलेंट देन दिस इज दिस इज ड्रोन्स ये ड्रोन्स होते हैं ड्रोनस ओके okay. तो ये एक ड्रोन है इस ड्रोन से क्या होगा ड्रोन में सीड्स भर दिए जाएंगे और एक साथ बहुत सारे एरिया में वो सीड्स जैसे डिसबर्स हो जाएंगे तो रीफॉरस्टेशन में ये हेल्प करेगा एक्सेलेंट ड्रोन्स यूज टू स्प्रेड सीड बॉल्स फॉर रीफॉरस्टेशन सीड कॉप्टर इसको नाम दिया है तो ये एक स्टार्टअप है हैदराबाद है वो ऐसा प्रैक्टिस कर रहे है अभी बात यह आया आर्मी ऑफिसर्स को विमेन आर्मी ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन देने का तो इसमें कुछ पैरामीटर्स थे फिटनेस एक्सेट्रा के तो उसमें सेवेंटी टू वमेन ऑफिसर्स को रिजेक्ट किया डिसकॉलीफाई किया इस बात पर चैलेंज उठाए चाइना ने 25 फाइव जेट्स सेंड किए ताइवान एयर जोन पे ताइवान एयर जोन कुआमिंटोंग पार्टी और इधर कॉम्युनिस्ट दोनों में दिस लड़ाई सो चाइना सेंड्स 25 जेट्स इनटू ताइवान एयर जोन चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान है ताइवान को कैप्चर करना और ताइवान बिकॉज डेमोक्रेसी भी है तो वर्ल्ड इसको होने नहीं देना चाहता प्लस ताइवान में सेमी भी है वर्ल्ड में वैसे सेमी कंडक्टर्स का शॉर्टेज चल रहा है लेटस सी डिवाइडेड हाउस डेमोक्रेट्स डिले वोट फॉर वन ट्रिलियन इंफ्रा बिल्स बीजिंग में पावर क्राइसिस हो रहा है यूके में भी डीजल पेट्रोल नहीं है फॉर्म्स टोल्ड टू सिक्योर सप्लाईज आने वाला टाइम है ना सप्लाई साइड बॉटल ने एक बहुत बड़ा ट्रबल होने वाला है तो लेट अस सी जैसे चाइना कोल्ड रिलायंट इकोनमी है चाइना को एक और परेशानी ये होती है कि उसको मैक्सिमम फ्यूल लेना होता है अरब इधर से तो उसका जो सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंडियन ओशन से है तो चाइना इस बात पे हमेशा कंसर्न होता है और सी पैक कभी इधर ऐसे करके कोशिश करता है एक्सेस टू इंडियन ओशन का बिकॉज स्ट्रेट ऑफ मलक का एक चौक पॉइंट है और इसी के पास अंडमान एंड निकोबार पे हमारा मिलिट्री बेस भी है अमिट अब्यूज अक्यूजेशन शिनजियांग गेट्स न्यू लीडर तो ये एक नए लीडर है शिनजियांग शिनजियांगल्द हम डरा नहीं रहे कि बेस है हमारा अंडमान एंड निकोबार में जस्ट इन केस दैन श्रीलंका लिफ्ट्स लॉकडाउन रिटेन्स कर्फ्यू एट नाइट एंड दिस इज सेप्टेम्बर पी एम आई सिग्नल्स अपटेक इन मैनुफैक्चरिंग एक्सपेंशन सी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इसमें क्या होता है कि आई एच एस मार्केट सर्वे करता है इंडस्ट्रीज़ के जो परचेजिंग मैनेजर हैं कि आप कितना सामान प्रोक्योर कर रहे हो प्रोडक्शन कितना बढ़ाने वाले हो लाइक like दैट तो कंपनी जो होती है ना अब प्राइवेट कंपनी है वो तो वाइज डिसीज़न ही लेगी तो उसको इकोनॉमी का करेक्ट आइडिया होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है प्रोडक्शन या श्रिंक कर रही है तो अगर हम इन लोगों को गेज कर लें परचेजिंग मैनेजर को तो एक इंडेक्स बनता है वो अगर 50 के ऊपर आ रहा है मतलब एक्सपेंशन है 50 के कम आ रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्शन है तो सितंबर का पीएमआई मंथली आता है ये हर मंथ के शुरुआत में देखते हैं हम तो सितंबर का पीएमआई ने अपटिक बताया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन है तो इससे क्या होगा जो कंपनीज़ वगैरह हैं वो एक्सपैंड कर रही हैं ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रही मतलब है मतलब इकोनॉमी का इंडिकेटर है इकॉनॉमी अप स्विंग पे है थर्ड स्ट्रेट मंथ में अप हुआ है हायरिंग अभी भी कम है प्राइस प्रेशर अभी भी क्लाइम हुआ लेट अस सी एक्सपोर्ट राइज हुआ है ट्वेंटी वन परसेंट प्री पैंडमिक सेप्टेम्बर लेवल पे आ गया faster, है गुड इम्पोर्ट सर्ज फास्टर डेफिसिट एट अ हाई अब इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो होगा डेफिसिट परफॉर्मेंस ऑफ आई बी सी क्यूड नहीं है सी ई ए ने बताया चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इनका नाम क्या है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र देन दिस इज एथेनॉल अभी हमने बायोफ्यूल पॉलिसी पढ़ा था तो हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं पेट्रोल में दस परसेंट तक करने का सोच रहे हैं एथेनॉल प्रोडक्शन ने दो मेट्रिक टन ऑफ शुगर एब्जॉर्ब कर लिया मतलब शुगर प्रोडक्शन हुआ उससे हमने एथेनॉल बना लिया एथेनॉल को हम पेट्रोल डीजल में मिला देंगे तो दिस इज़ एथेनॉल, देन दिस इज स्पोर्ट्स स्मृति ने मेडन सेंचुरी किया टेस्ट मेमोरेबल देन दिस इज स्पोर्ट्स अब हम आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में स्ट्रैंगेटिंग एंटायर सिटी स्ट्रेंगूलेट मतलब ऐसे दिस गला दबा देना स्ट्रेंगूलेटिंग एंटायर सिटी यू वॉन्ट टू कम इन नाउ द मीन लिटरल मीनिंग इज़ कि आप लाइफ लाइन जो हैं जैसे रोड्स वगैरह है उसको चोक कर रहे हो तो उससे सप्लाईज़ हेम्पर हो रही है शहर की सिटी की ये कैपिटल विजिट है एयर इंडिया का कल बिड ऐसा न्यूज था ऑल वो रूमर है टाटा इज फ्रंट रनर है अभी ऑफिशियल कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है देखते हैं थर्ड टाइम लकी होता है या नहीं 2001 में पहली बार कोशिश हुआ एयर इंडिया सेल करने का 2018 में दूसरी बार हुआ और अभी थर्ड अटेम्प्ट है तो आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान ऑनलाइन कैंपेन है रोड सेफ्टी का लॉन्च हुआ यहाँ पर वाइल्ड लाइफ वीक 2021 एक दो दिन बाद इस इसप सवाल तैयार करेंगे वाइल्ड लाइफ वीक है दो से आठ अक्टूबर अभी काफी टाइम है तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है ऑल टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फोना एक्सेट्रा डी यू डिमांड हंड्रेड परसेंट एक टाइम था नब्बे परसेंट पे इतना खुश हो जाते थे अभी हंड्रेड परसेंट पे ही कट ऑफ हो रहा है फर्स्ट कट ऑफ हंड्रेड परसेंट दैन दिस इज़ वॉन्टेड पैनल टू प्रो कम्प्लें अगेंस्ट ब्यूरोट्स आर्मी चीफ लद्दाख गए हैं रिव्यू कर रहे हैं सिचुएशन का दैन गारबेज माउंटेन्स ये जो गारबेज माउंटेन्स हैं अक्सर हर शहर में बन गए हैं ये इनको रिमूव करना जरूरी है वेस्ट डिस्पोजल सर्क्युलर इकॉनॉमी ये बजवर्ड है वेस्ट डिस्पोजल एंड सर्कुलर इकॉनॉमी आफ्टर फोर्टी ईयर्स ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है आयुद्ध है इसको अब कर दिया गया कॉरपोरेटाइजेशन तो अब क्या होगा डी पी एस यू बनी है यहाँ पे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो डी पी एस यू डिवाइड हो गई है ईच स्पेश सर्टेन काइंड ऑफ इक्विपमेंट में रहेगी अम्यूनिशन इंडिया लिमिटेड करेगी अम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव को आर्मर्ड व्हीकल निगम करेगा मोबिलिटी कॉम्बैट व्हीकल को इस लाइक से तो ऐसे डी पी एस यू बन गई है वो एक स्पेशलाइज्ड वेपन का देखेगी अदर न्यू डी एफ डी पी एस यू है जैसे एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ट्रूप कम्फर्ट लिमिटेड यंत्र लिमिटेड इंडिया ऑप्टल लिमिटेड ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ऐसे करके अलग अलग डी पी एस यू बनी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ऐसे तोड़ दिया गया है फोर्टी वन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड फर्स्ट ऑफ विच इज़ मोर देन थ्री हंड्रेड ईयर्स ओल्ड बिकेम पार्ट ऑफ सेवन तो ये कितनी है सात ऐसी स्पेशलाइज्ड डी पी एस यू तो फोर्टी नाइन फोर्टी वन ओ एफ भी थी इनका कॉरपोरेटाइजेशन हुआ और अब सात डी पी एस यू बनी है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और हर पी एस यू अपना एक स्पेशलाइज्ड काम करेगी जैसे ये आर्मर्ड एक्सप्लोजिव ग्लाइडर्स लाइक दैट ओके तो आर सेवन इन नंबर अभी एक दो दिन में इसको और डिटेल में देखते हैं तो दिस इज़ फाइनली फोर्टी ईयर्स बाद ओ एफ बी कॉरपोरेटाइज हो गया है और सात डी पी एस यूज में वो कन्वर्ट हो गया है गांधी जी का स्टैचू अनवील हुआ लक्षद्वीप में लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है देन दिस इज़ एजेंसी एट सेंटर महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट बहुत फेयर मैनर में होना चाहिए और टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए ये नहीं कि रिज़ल्ट आ ही नहीं रहे इतना टाइम हो गया टाइम बाउंड मैनर पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना ज़रूरी है ये चाचा चौधरी जी है इज़ नाउ मैस्केट एंड नमामि गंगे प्रोग्राम हमें ज़रूरी है कि जो हमारे ट्रेडिशनल हीरोज़ हैं ना हम इनको भी रिकोगनाइज़ करें जैसे आप मूवीज़ देखते हो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स मार्वल कॉमिक्स है डी की कॉमिक्स है जैसे आयरन मैन बैटमैन वगैरह हमारे पास भी इतने अच्छे अच्छे हीरोज़ हैं हम इनको क्यों नहीं पॉपुलराइज कर रहे जैसे ये डायमंड कॉमिक्स का है प्रान डायमंड कॉमिक्स इसमें चाचा चौधरी है ओके एक एक और कॉमिक्स होती थी राज कॉमिक्स पहले आती थी अभी भी आती है राज कॉमिक्स इसमें एक सुपर कमांडो ध्रुव बड़ा ऑसम था तो वी नीड टू रिकोगग्नाइज़ देम चाचा चौधरी इज़ नाउ मैस्केट ऑफ नमामी गंगे प्रोग्राम वन्य जीव संरक्षण सप्ताह है ये एंड कैपेबिलिटी नॉट कास्ट सेंसर्स के बारे में बात है खादी इन नीमलो नो खादी लेटर एंड स्पिरिट में होना चाहिए और जो मैसेज है उसको फॉलो करना चाहिए मैसेज क्या था डिसेंट्रलाइजेशन, ऑनट्रप्रनोरशिप ग्रास रूट डेमोक्रेसी लाइक दैट सेल्फ रिलायंस जर्नी टू रिकवरी वरना खादी क्या है खादी एक सिंबल है जो मैसेज है ना उस पर भी फोकस करना चाहिए जैसे सॉल्ट क्या था सॉल्ट सत्याग्रह में सॉल्ट एक सिम्बॉलिक था कि नमक एक ऑर्डिनरी चीज़ है जो सब लोगों की ज़रूरत भी है और जो फ्री होनी चाहिए फ्री मतलब उसका प्रोडक्शन इंडिया कर सकता है तो सिमिलर्ली खादी इज़ ऑल्सो अ सिंबल सिम्बल ऑफ़ दिस सेल्फ रिलायंस सिम्बल ऑफ़ दिस ऑन्टप्रोनोरशिप सिम्बल ऑफ दिस की हम डिसेंट्रलाइज de कर रहे हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी लाइक like दैट देन ये एक नया एंटीवायरल पिल आया है जो कोविड नाइन्टीन से फ़ाइट करने में हेल्प कर सकता है एक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये क्या होता है बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है तो अपने लैब से एंटीबॉडी बनाई और उसको बॉडी को दे दिया तो ये मतलब हायर्ड सोल्जर्स बोल सकते हो जो कोविड से लड़ने में हेल्प करेंगे तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है सेवेंटी टू एटी फाइव परसेंट हेल्प होता है हॉस्पिटलाइजेशन को स्टॉप करता है तो सिमिलरली ये पिल आई है अब ये तो एक्सपेंसिव है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पिल्स से क्या होगा मास स्केल में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है चीपर भी होगा तो गुड दिस इज वन थिंग देन अफगान लिविंग यूएस मिलिट्री बेसिस बिफोर रीसेटलमेंट वेरिएबल रेन्स जब भी रेनफॉल की बात आए अभी सवाल में दो चीज़ें जरूर लिखना है एक तो स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों ऑल्टर हो गया बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज सेप्टेम्बर में इतनी बारिश नहीं होती जितनी इस बार हुई है रीजनल वेरिएशन भी ज़्यादा हो रहा है पैडी प्रोक्योरमेंट में डिले हो रहा है कर्ब्स फ्रॉम अब जैसे ये पंजाब वगैरह है ना ट्रेडिशनली ये पंजाब हरियाणा पैडी के लिए नहीं बने पैडी मतलब धान पैडी बिकॉज पैडी के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है तो यहाँ पैडी कल्टिवेशन मतलब नेचुरली इज नॉट दैट सूटेबल बट सूटेबल कैसे हुआ ग्रीन दिस रिवॉल्यूशन हुआ जो ट्यूबवेल्स हैं ग्राउंड वाटर के कारण सफिशेंट पानी आ गया कैनाल से पानी आ गया बट इतना ज़्यादा जैसे जो खेत है उसको आप पानी से भर के रखते हो तो सॉल्ट पेन भी बन रहे हैं यहाँ पे तो वो सॉयल डिग्रेड भी हो रही है प्लस पंजाब हरियाणा की प्रॉब्लम ये यह है यहाँ पे मोनोकल्चर हो रहा है या यहाँ तो व्हीट होगा या राइस होगा व्हाट अबाउट बायोडाइवर्सिटी तो डाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट मोनोकल्चर इज़ नॉट राइट देन ऑस्ट्रेलिया टू ईज कब्ज नवम्बर से कार सेल्स चिप शॉर्टेज हो रहा है इंडिया वन ऑफ द मोस्ट ओपन नेशन एंड रिलायबल नेशन अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी बैठक होगा अक्टूबर एट को है अक्टूबर एट को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी अब ये स्टैंड फिर से लिया जाएगा कि मतलब डोविश मेंटेन रखें या हॉकिश करें इजी मनी पॉलिसी रखें या फिर टाइटर मनी पॉलिसी रखें बिकॉज इकोनॉमी भी अब रिवाइव हो रही है तो रेपो रिवर्स रेपो को क्या करना है लेटेसी सेप्टेम्बर का डेफिसिट न्यू हाई पे पहुंच गया एंड दिस इज़ यूके गैस पंप स्टिल ड्राई चाइना के पास दिस अगेन एनर्जी इशू आ रहा है कोल नहीं है यूके के पास फ्यूल नहीं है लेट अस सी सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस अभी आज का जो टॉपिक है उसमें आज दो अक्टूबर है तो हमें गांधी जी और शास्त्री जी के बारे में पता होना चाहिए गांधी जी और शास्त्री जी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हमारी हिस्ट्री के तो गांधी जी के क्या थॉट्स थे क्या टीचिंग्स थी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था क्या लाइफ था ये सब चीज़ों का एक ब्रीफ आइडिया हमें पता होना चाहिए सेम इज़ विद शास्त्री जी कि शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे देश बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा था तो आपने लाइक like, ताशकंत अग्रीमेंट से दिस सिक्सटी सिक्सटी फाइव का जो वॉर हुआ वो जीता हमने प्लस शास्त्री जी की एक और ख़ूबी थी सिंपलिसिटी बड़े ही सिंपल और साधारण सिंप्लिसिटी इज दी अल्टीमेट अल्टीमेट सोफेस्टिकेशन सिंप्लिसिटी तो आज के भी अगर लीडर्स हैं वगैरह हैं तो सिंप्लिसिटी वाइट रिवोल्यूशन जो एथिकल व्यू पॉइंट्स आपने प्र, प्रपोज किए ये सब चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे फॉर्डर पॉइंट्स हैं ना जो आपको हर जगह इस्तेमाल में होंगे तो आज केवल एक ही क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर किसी को करना है एंड देन गो टू स्रजन इंडिया डॉट वन डॉट वन यहाँ डिस्कस से गूगल ट्विटर एनी आप उसको इनेबल कर सकते हो लॉग इन करिए एंड जस्ट अपलोड योर दीज आंसर्स आंसर्स आप ऐसे लिखते हो ना उसको एडोबी स्कैनर से स्कैन करिए फिर जब एक्सपोर्ट का उसमें बटन आता है तो उसको जे फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करिए पी नहीं जे में तो वो जितने भी फोटो खींचे ना आपके आंसर्स के हाई क्वालिटी होगा इसमें ओ भी है तो वो सब हाई क्वालिटी आपका फोटोग्राफ आ जाएगा जो हैंड रिटन आपने लिखा है अब इस फोटो को जस्ट आपको वहां जाके अपलोड करना है दैट्स ऑल ओके पीडीएफ अपलोड नहीं अब फोटो जेपैग या जेपीजी करो और उसको वहां पे ऐसे अपलोड कर दो तो राइट राइटिंग बहुत ज़रूरी है डू इट एवरीडे तो आज गांधी जी पे इनका विकी पेज भी देखिए ऑफिशियल वेबसाइट भी देखिए शास्त्री जी का भी और जितना नॉलेज मिल रहा है ना सब आप दो तीन पन्ने यहाँ लिखिए दो तीन पन्ने यहाँ लिखिए ये यह बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा आने वाले टाइम पर सिमिलरली अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो हम क्विकली सारे नेशनल पार्क्स को गो थ्रू करते हैं ये भी मैं अभी तुरंत शेयर कर दूंगा क्विकली गो थ्रू करना है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया इसमें 104 है एनविस की वेबसाइट से लिया है अभी 105 और 106 भी आ गया है असम का देहिंग और राइमोना तो लेट लेटस क्विकली गो आंध्रा में क्या है पापी कोंडा राजीव गांधी रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वरा ये कहाँ पर है आंध्रा अरुणाचल का क्या है माउलिंग और नामधापा असम में क्या है डिब्रू डिब्रूसाइकोवा काजीरंगा मानस नामेरी और औरंग देहिंग पटकाई भी है और राइमोना भी है बिहार में एक ही है वाल्मीकि छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास इंद्रावती और कांगेर गोवा का क्या है मौल मौलम मुरलैन अलग है ये मौलम है मौलम गुजरात में है ब्लैकबर्ग बेलवादर गिर मरीन गल्फ कच्छ और वंसदा हरियाणा में है कलेसर और सुल्तानपुर हिमाचल में है ग्रेट हिमालय इंदर किला खीरगंगा पीन वैली और दिस शेरजुंग सिंबल बारह सिंबल बारह झारखंड में एक ही है बेतला कर्नाटका में है अंशी बांदीपुर बनेर घाटा कुदेरमुख और नागरहोल केरला में है हनाईमुड़ी एराविकुलम मथिकेटन पंबादुम पेरियार साइलेंट मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ डायनासोर फॉसिल पेंच कान्हा कुनो माधव पन्ना संजय सतपुड़ा और वन विहार देन महाराष्ट्र में है चंदोली गुग्गामल नवेगांव नागजीरा पेंच संजय गांधी बोरीवली और तडोबा मणिपुर में है केबुल नाम जाओ और शोई शिरोई मेघालय में है बल अक्रम और नोकरे कई बार ऐसा होता है ना एग्जाम में स्पेलिंग थोड़ी मिलती जुलती है पर डिफरेंट हो जाती है जैसे एक पक्के है पर एग्जाम में पकुई पूछ लिया था तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है दिस इज शिरोई मेघालय बल पक्रम है नोकरेक है मिजोरम में मुरलैन है मौलम कहाँ था गोवा ये मुरलैन मुरलैन है फागुन पुई ब्लू माउंटेन नागालैंड में इंतांकी है उड़ीशा में भीतर कनिका और सिम्बलीपाल भीतर कनिका में क्या एक और स्पेशलिटी है भीतरकनी का कौन सा दिस रेप्टाइल मिलता है यहाँ भीतर भीतरकनी का देन राजस्थान में डेजर्ट है केवला देव मुकुंदरा रनथम्बोर और सरिस्का सिक्किम में है कंचनजोंगा तमिल में है गुंडी मन्नार अन्नामलाई मुद्दुमलाई मुकुर्ती मुकुर्ती याद रखना है तेलंगाना में है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिना वनस्थली और मुगा वानी मुर्गा वानी त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन बाइसन राजबाड़ी यूपी में एक ही है दुधवा उत्तराखंड में है कॉर्बेट गंगोत्री गोविंद नंदा देवी राजा और वैली ऑफ फ्लावर वेस्ट बंगाल में है बक्सा गोरुमारा जल्दापारा नेवरा वैली सिंगालिया और सुंदरबन नेवरा वैली इंपॉर्टेंट है पूछा था अंडमान निकोबार में कैम्बेल बिल है गलेथिया महात्मा गांधी मरीन माउंट हैरियट रानी झांसी और सैडल पीक जम्मू कश्मीर में है सलीम अली सलीम अली जी एक और चीज़ के नाम से जाने जाते हैं टेल सलीम अली सलीम अली जी को किस और चीज़ के लिए जाना जाता है क्या स्पेशलिटी थी इनकी सलीम अली देन दाचीगा में दिस इज़ काजीनाग किश्तवार और हेमिस हेमिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है लद्दाख तो ये 104 हो गए है ना इसका सोर्स है ये नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटा बेस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है बाकी विकी में ये दो और लिखे हुए हैं एक तो देहिंग पटकाई और रायमोना एक और एक तो ये मतलब एक रफ आइडिया होना चाहिए कि राज्य पूछ लिया जाए तो आप ब्लैंक नहीं हो आप बता सको कि किस राज्य का है किस जगह का ये नेशनल पार्क है दो तीन बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा ये बड़ा आसान था गर्ल्स एक्स हैं बॉयज़ वाई हैं टोटल एक्स प्लस वाई इनका एवरेज दिया है इनका एवरेज इनका एवरेज दोनों टोटल कर दो तो यू विल गेट वाई ओपन एक्स दिस तो वाई ओपन एक्स टू बाय थ्री ये हमेशा ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है बॉयज़ टू गर्ल्स पूछा है कई बार जैसे टू बाय थ्री है ऑप्शन में अगर थ्री बाय टू भी दिया हुआ है तो कन्फ्यूजन हो जाता है नो पूछा क्या है बॉयज़ टू गर्ल्स तो वो टू बाय थ्री है टोटल कर लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंटिटीज़ इज इक्वल टू एवरेज तो एक्स इज इक्वल टू सेवन टोटल डिस्टेंस एटी फोर है टाइम लगा टू आवर्स स्टॉपेज के साथ लगे तीन घंटे तो तीन घंटे मतलब साठ साठ मिनट एक्स्ट्रा लगा पहले दो घंटे था अब तीन घंटे तो साठ मिनट स्टॉपेज लग रहा है तीन घंटे में तो पर आवर स्टॉपेज अगर अपन देखें तो साठ बाय थ्री बीस मिनट मान सकते हैं एक स्कीम है पैक ऑफ थ्री सोप्स है एमआरपी आर फोर्टी फाइव है पर 45 की जगह फोर्टी में वो अवेलेबल करा रहा है पर फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है पांच परसेंट का तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है पैक का आंसर एवरी ईयर बिफोर द फेस्टिव सीजन शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय फाइव और फिर इंट्रोड्यूस कर देता है दो सक्सेसिव डिस्काउंट टेन परसेंट एंड फिफ्टीन तो परसेंटेज लॉज परसेंटेज गेन क्या होगा जैसे ई e कॉमर्स में देखते हैं ना अभी सेल चल रही है बिग बिलियन लाइक दैट तो पहले एमआरपी बढ़ा दो फिर बताओ कि 50 परसेंट प्रोफिट ऑफ है लाइक दैट ये टैक्टिक्स है मार्केटिंग टैक्टिक्स है बट हमको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के परसेंटेज पता होने चाहिए तो हम तुरंत बता देंगे कि पहले आपने थर्टी फाइव परसेंट बढ़ाया फिर दस और पंद्रह परसेंट कम कर दिया तो मतलब गेन या लॉस कितना है आंसर सेलिंग सत्रह बॉल सात सौ बीस में देर इज़ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइज ऑफ पाँच बॉल तो कॉस्ट प्राइज ऑफ बॉल कितनी होगी आंसर ईजी सो दीज आर थ्री क्वेश्चन ऑफ सी सेट ये सोल्यूशन हैं ये नेशनल पार्कस हैं ये सवाल आज सबको करना है एंड शेयर योर आंसर गांधी जी और शास्त्री जी ये एक सवाल करोगे ना बहुत सारे पैरल सिलेबस कवर हो जाएगा गांधी जी एंड शास्त्री जी ओके देन दिस इज अबाउट गांधी जी वन्य संरक्षण दिवस भी चल रहा है एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सो दिस इज सेकेंड ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ